everyone, welcome to my channel Neat Educare. I'm Amisha and I hope you all are doing good. तो डॉक्टर्स, जैसा कि मैंने अपने पास्ट वीडियोस में बताया था कि नीट पीजी 2024 का जो रिजल्ट है वो लास्ट अगस्त तक आ जाएगा और उसके रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं सारे कोटाज में, ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे डेम्ड हो, डीएनबी हो, एनबीई हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हो, वो मैंने आई गेस 20,000 से लेकर 45,000 तक मैंने वो कवर किया है. तो आप वो वीडियोज देख लीजिए. तो अब थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको इन चीजों के लिए भी कर लेनी चाहिए कि जब काउंसलिंग शुरू हो तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितने कॉलेजेस प्राइवेट हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं. और अगर अपने स्टेट्स की, हर स्टेट की अलग अलग एक क्वालिफिकेशन है, वो जानकारी भी आपको होनी चाहिए. तो इसलिए मैंने आज सोचा है कि राजस्थान एमडीएमएस के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं. इसी तरीके से मैं हर स्टेट की एक्सप्लेनेशन जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी. और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा. और चलिए बढ़ते हैं. आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि राजस्थान में जो है टोटल नंबर ऑफ जो कॉलेजेस हैं वो कितने हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स बढ़ी हैं. तो ये सारी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है राजस्थान में, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो है टोटल 8, जिसमें सीट्स आई गेस 1033 के आसपास सीट्स हैं. प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ. और इस बार मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एनएमसी की तरफ से जो न्यूज आए हैं कि कॉलेजेस जो हैं जिनको भी सीट्स के लिए अप्रूवल मिली है उनको अपने अपने पोर्टल पे जो है उसको चढ़ाना होगा कि कितनी सीट्स उनको अप्रूव हुई हैं, वो सारी चीजें उनको अपडेट करनी पड़ेंगी. तो आई गेस आज 22 अगस्त है, तो आज वो सारी चीजें अपडेट हो गई होंगी. तो चांसेस हैं कि 150 से 200 प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, 150 से 200 सीट्स जो हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, वो बढ़ने वाली है राजस्थान में. और बात करते गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कॉलेज की इन राजस्थान, तो गवर्नमेंट कॉलेज टोटल है 25 गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में, जिसमें आई गेस 2256 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में. एंड अगर दोनों को, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो 3500-3600 के आसपास जो है सीट्स हैं टोटल. और उसमें भी इस बार जो है 2024 में शायद गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 200 से 250 सीट्स बढ़ने वाली हैं. तो अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो यहाँ पे एक एम्स भी है जोधपुर में, जो आप लोगों को पता होगा. अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है, मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं 8. एक बार मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से कॉलेज हैं. तो पहला है महात्मा गांधी, जो कि जयपुर में है, निम्स वो भी जयपुर में है. तीसरा है जेएनयू, जो जेएनयू भी जयपुर में है. और बाकी के जो 4-5 कॉलेजेस हैं वो उदयपुर में है, जैसे कि पिम्स हो गया और पीएमसीएच हो गया, ये दोनों भी उदयपुर में है. गीतांजलि हमारा उदयपुर में है, अमेरिकन और अनंता ये भी हमारे उदयपुर में है. तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए जो कि प्राइवेट है और यहाँ पे राजस्थान में है प्राइवेट कॉलेजेस. तो डॉक्टर्स, आगे के जो टॉपिक्स हैं जिसको मैं आज ब्रीफ करने जा रही हूँ, वो टॉपिक्स में एक बार आपको बता देती हूँ. तो सबसे पहले है कि राजस्थान में जो कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस की भी मैं बात करने वाली हूँ, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं. मतलब अगर हम निम्स की बात करें तो निम्स में जो सीट्स हैं टोटल पीजी की वो कितनी है उस पर बात करेंगे हम. ब्रांच वाइज कितनी सीट्स हैं, मान लो अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 100 है तो रेडियो की कितनी है, डर्मा की कितनी है, ऑप्थल की कितनी है, वो भी इसमें मैं आपको आगे ब्रीफ करने जा रही हूँ. स्टाइफन जो है वो कितनी है, स्टाइफन आपको कितनी मिलने वाली है. उसके बाद जो कोटा है, जो मैनेजमेंट कोटा है, ऑल इंडिया कोटा है और स्टेट कोटा है, उसमें कितने कितने परसेंट जो है आपको रिजर्वेशन मिल रही है. उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ की, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की, उसके बाद कॉलेज रैंकिंग की. और ये सारी चीजें इस बार इस वीडियो में जो है हम ब्रीफ करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कोटा के बारे में. तो कोटा की अगर हम बात करें, तो यहाँ राजस्थान की अगर हम बात करें तो स्टेट कोटा में जो है रिजर्वेशन होती है 50% की. अगर ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में होती है 35% की और मैनेजमेंट की होती है 15% की. तो अगर आपका डोमिसाइल राजस्थान का है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपको जो है ज्यादा चांसेस हैं कि आपको सीट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी जो रिजर्वेशन है वो
50% कोटा में रिजर्वेशन है, ऑल इंडिया कोटा का 35% एंड देन मैनेजमेंट कोटा का जो है 15% है। अगर स्टाइफंड की बात करें तो अगर निम्स की बात करें या फिर एमजीएम की बात करें तो यहाँ आपको 30K से 40K जो है आपको स्टाइफंड मिलेगा, और बाकी के कॉलेजेस में थोड़ा हिडन है तो वो ज्यादा पता भी नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है 30-40K आई गेस स्टाइफंड आपको मिलता है। फी स्ट्रक्चर हम आगे शेयर करेंगे एंड देन यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है यहाँ राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस की वो इतना हाई है कि थोड़ी बहुत नेगोशिएशन भी हो सकती है, और यहाँ पे जो है अगर आपका कोई लो स्कोर है तो मैनेजमेंट सीट पे और ऑल इंडिया कोटा सीट पे आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो और चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिल जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस में। और यहाँ पे फी यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो कुछ ज्यादा ही हाई है, तो यहाँ पे आने के बाद भी नेगोशिएशन राजस्थान की प्राइवेट कॉलेजेस में की जाती है। अगर कॉलेज रैंकिंग की बात करें तो कॉलेज रैंकिंग में ऑब्वियसली एमजीएम जो है फर्स्ट रैंक पे आता है। एमजीएम जो नाम है आपने सुना भी होगा अगर आप राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, एमजीएम जो है अगर राजस्थान की प्राइवेट कॉलेज की बात होती है तो एमजीएम फर्स्ट नंबर पे रैंक करते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं। और बात करें अब जो कॉलेज की सीट इंक्रीमेंट है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि 2022 को पोर्टल पे अपडेट करने की इन्फॉर्मेशन आ गई थी, और शायद अब कुछ दिनों में हमें भी पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स जो हैं बढ़ाई गई हैं, तो वो वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मिनिमम जो मैं बता देती हूँ आपको, मिनिमम चांसेस हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में एटलीस्ट 150 से 200 सीट्स बढ़ाई जाएंगी, और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में 80 से 100 सीट्स बढ़ाई जा सकती हैं। तो अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है प्राइवेट कॉलेजेस की, अगर हम बात करें एमजीएम की, निम्स की, अनंता की, अमेरिकन की, पैसिफिक, पिम्स की, तो हर पर्टिकुलर कॉलेज में जो है पीजी की टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कितनी है, और ब्रांच में, एक ब्रांच में चाहे वो एनेस्थीसिया की हो, पीडिया की हो, सर्जरी की हो, ओबीजी की हो, तो ब्रांच वाइज जो है कितने कितने सीट्स जो है उसमें इनपुट की हुई है, तो वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं एमजीएम से। तो अगर एमजीएम की बात करें तो एनेस्थीसिया में एमजीएम की जो सीट है वो है 15, जनरल मेडिसिन की 23 है, पीडिया की 9 है, सेक्रेटरी की 4 है, रेडियो की 15 है, डर्मा की 5 है, टीवी चेस्ट 5, ईएनटी 4, सर्जरी 15, ओबीजी 9, ऑप्थल 5, ऑर्थो 9, एमरजेंसी मेडिसिन 2, पैथो 10। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अप्रोक्सीमेट अगर लगाएं तो 125 टू 130 सीट्स जो हैं वो टोटल एमजीएम में है, और चांसेस हैं कि थोड़ी सीट्स इस बार और बढ़ा दी जाए। अब बात करते हैं निम्स की। निम्स में अगर एनेस्थीसिया की बात करें तो 20 सीट्स हैं एनेस्थीसिया की, जनरल मेडिसिन जो है वो 24 है, लेकिन चांसेस हैं कि इस बार जो है 12 से 13 सीट्स जो हैं वो जनरल मेडिसिन की बढ़कर आने वाली है। पीडिया की बात करें तो पीडिया में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 12 है, सेक्रेटरी 5 है, रेडियो में 9 है, बट 10 से 15 सीट्स जो है इस बार रेडियो में भी बढ़ के आएंगी। डर्मा की बात करें तो डर्मा की सीट्स है निम्स में 5, टीवी चेस्ट की है 3, ईएनटी 5, सर्जरी 16, ओबीजी 9, ऑप्थल 8, ऑर्थो 9, इमरजेंसी मेडिसिन 3, पैथो 2। और अप्रोक्सीमेट लगाएं तो निम्स में भी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है पीजी की वो 125 टू 130 सीट्स हैं, लेकिन ये भी बढ़ेंगी अभी। और अब बात करते हैं जेएनयू की। तो जेएनयू में एनेस्थीसिया की सीट्स जो हैं वो 6 हैं, जनरल मेडिसिन की 6 है, पीडिया की भी 6 है, सेक्रेटरी की 3 है, रेडियो की 6 है, डर्मा की 3 है, टीवी चेस्ट की 3 है, ईएनटी की 2 है, सर्जरी की 6 है, ओबीजी की 6 है, ऑप्थल की 3 है, ऑर्थो की 6 है, इमरजेंसी मेडिसिन की 3 है, पैथो का 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर अप्रोक्सीमेट लगाएं तो 55 से 60 सीट्स जो हैं वो जेएनयू में हैं। अब बात करते हैं गीतांजलि की जो कि है उदयपुर में, और उसमें जो एनेस्थीसिया की जो सीट्स है वो है 15, जनरल मेडिसिन की है 16, पीडिया की 12, सेक्रेटरी की 5, रेडियो की 15, डर्मा की 8, टीवी चेस्ट की 6, ईएनटी की 4, सर्जरी की 15, ओबीजी की 9, ऑप्थल की 6, ऑर्थो की 12, इमरजेंसी मेडिसिन की 3 और पैथो के 5। इसमें भी अगर अप्रोक्सीमेट लगाए तो 130 से 135 सीट्स हैं गीतांजलि में, और चांसेस हैं कि इस बार बढ़ के आए।
10-15 सीट्स जो हैं मिनिमम बढ़ के तो आएंगी आएंगी। अब बात करते हैं अनंता की, तो अनंता में एनेस्थीसिया की जो सीट्स है वो है 17, जनरल मेडिसिन की है 15, पीडिया की है 10, सेक्रेटरी की है 2, रेडियो की है 6, डर्मा की है 3, टीवी चेस्ट की भी 3 है, ईएनटी की 2 है, सर्जरी की 15 है, ओबीजी की 9 है, ऑप्थल की 3 है, ऑर्थो की 8 है, इमरजेंसी मेडिसिन अनंता में नहीं है, पैथो की बात करें तो पैथो 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है अनंता में वो है अप्रोक्स 95-100 सीट्स नीट पीजी के अनंता में है। अब बात करते हैं अमेरिकन की, वो भी उदयपुर में है। अमेरिकन में एनेस्थीसिया की जो सीट है वो है 3, जनरल मेडिसिन की है 5, पीडिया की है 4, सेक्रेटरी की भी 4 है, रेडियो की 2 है, डर्मा की 1 है, टीवी चेस्ट की सीट वहां पे नहीं है, ईएनटी की 1 सीट है, सर्जरी की 6 सीट है, ओबीजी की 3 है, ऑप्थल की 2 है, ऑर्थो की भी 2 है, इमरजेंसी मेडिसिन भी वहां नहीं है, पैथो की 4 है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर देखें तो 35-40 सीट्स जो है वो अमेरिकन में भी है। अब बात करते हैं पीएमसीएच की और पिम्स की। पीएमसीएच और पिम्स की बात करें तो पीएमसीएच में अगर देखें तो अभी 95-96 सीट्स जो है वहां पे है पीएमसीएच में, लेकिन बढ़ के वो शायद 120-130 सीट्स इस बार हो जाएंगी। अगर पिम्स की बात करें तो पिम्स में अभी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 65-66 है, लेकिन वो बढ़ के अप्रोक्स चली जाएंगी 140-150 सीट्स। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं कि बढ़ने के बाद भी मैं एक बार ये चीजें अपडेट कर दूंगी आपको, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि कितनी जो सीट्स हैं वो बढ़ी हैं, कौन कौन से कॉलेज में ब्रांच वाइज कितनी चीजें बढ़ी हैं। तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। अब बात करते हैं हम फी स्ट्रक्चर की। सो डॉक्टर्स, ये जो फी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, ये 8 प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं राजस्थान के, उनके फी स्ट्रक्चर है। अगर आप उसको डिटेल्स में देखना चाहते हो तो आप उनकी साइट राजनीत पीजी पे जाकर देख सकते हो। सो डॉक्टर्स, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड मैंने जिस तरीके से अभी राजस्थान का जो MDMS है वो पूरा ब्रीफ किया है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर स्टेट का जो है एक बार सारी चीजें जो भी हैं, जो भी मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्टाइपेंड क्या है, फी स्ट्रक्चर्स क्या है, मैं सारी चीजें जो एक्सप्लेन करने की हर वीडियो की हर स्टेट वाइज कोशिश करूंगी। तो ऐसे ही वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को है सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ये लेटेस्ट जो भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।